हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते हैं इस बुलेटिन में कौन सी खबरें बनी है हेडलाइन। बिलासपुर में बनेगा राज्य का पहला क्रिटिकल केयर यूनिट। जिला अस्पताल का निरीक्षण कर कलेक्टर ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश। एक पेड़ माँ के नाम, वन विभाग ने चलाया वृहद अभियान। जन प्रतिनिधियों से लेकर पुलिस अधिकारियों ने रोपे सैकड़ों पौधे। करोड़ों का मछली बाजार, 7 सालों में नहीं हुआ आबाद। शनिचरी में थोक व्यापारियों से यातायात रोज होता है बेपटरी। और तिफरा स्कूल को बना दिया अंग्रेजी माध्यम, टीचर है न व्यवस्था, नाराज परिजनों ने जिला शिक्षा अधिकारी का किया घेराव। आइए दर्शकों अब खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। राज्य में एकमात्र जिला अस्पताल बिलासपुर में क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित किया जाएगा। सरकार से स्वीकृति मिलने पर गुरुवार को निरीक्षण में आए कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने इसके लिए अस्पताल प्रबंधन को जमीन तय करने कहा, साथ ही हमर लैब और बन यूनिट का निर्माण 10 दिनों में पूरा करने के निर्देश दिए। अस्पताल पहुंचे कलेक्टर ने जन सुविधाओं के विस्तार और इन्हें व्यवस्थित करने अधिकारियों को निर्देश दिए। गौरतलब है कि सरकार ने राज्य में एकमात्र क्रिटिकल केयर यूनिट बिलासपुर के जिला अस्पताल में स्थापित करने स्वीकृति दी है। 75 बेड का CCU के लिए 10,000 वर्ग फीट जमीन की जरूरत है। स्थल चयन कर सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता को इसकी जानकारी देने कलेक्टर अवनीश शरण ने निर्देश दिया है। उन्होंने जिला अस्पताल में निर्माणाधीन हमर लैब, बर्न यूनिट और आइसोलेशन वार्ड को अगले 10 दिन में कंप्लीट कर अस्पताल प्रशासन को हैंडओवर करने कहा है। हमर लैब के शुरू हो जाने से मरीजों के लिए 117 प्रकार की जांच की सुविधा निशुल्क मिलेगी। कलेक्टर ने जैन औषधि, धनवंतरी और रेड क्रॉस की दवा दुकान को एक जगह व्यवस्थित करने कहा है। ये दवाई दुकान अलग अलग जगहों पर है जिसके कारण मरीजों को भटकना पड़ता है। कलेक्टर ने जिला अस्पताल में पिछले 2 साल से बंद पड़े वाटर ATM को चालू कर लोगों को इसकी सुविधा जल्दी देने कहा है। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता, हॉस्पिटल कंसल्टेंट डॉक्टर शेफाली, रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला समन्वयक सौरभ सक्सेना, नगर निगम के जल प्रभारी अनुपम तिवारी, जीवन दीप समिति के सदस्य अमित सिंह सहित अधिकारी उपस्थित थे। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो TV बिलासपुर। लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने पर प्रदेश सहित समूचे अंचल के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी हड़ताल को 1 सप्ताह हुआ। अब तहसील में कामकाज ठप कर अधिकारी अवकाश पर चल रहे हैं जिससे राजस्व का काम बंद है। चुनाव खत्म होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि तहसील कार्यालय के कामकाज में तेजी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की VIP के साथ ही विभिन्न स्थानों में ड्यूटी लगा दिए जाने के कारण कामकाज प्रभावित हुआ। अब जब सब ठीक हुआ तो पटवारी और तहसीलदार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। बिलासपुर तहसील कार्यालय में रोजाना सैकड़ों लोग अपनी विभिन्न राजस्व संबंधी समस्या और काम से आते हैं, जो कि हड़ताल के कारण बिना काम कराए उल्टे पांव वापस लौट रहे हैं। अभी कैसे साहब मन से मुलाकात हुई? नहीं हुई सर। का बताई नहीं मन? मन का के दे दे भी कागज का हम घर ला जमीन मन ला लूटा थे ना इधर से इसके लगे हम आवास घर में 4-5 महीना हो गए मैं भटका था और कोई न्याय नहीं मिल रहे। हमारे घर में आग लग गया था सर, तो उसी का पंचनामा के लिए पूछने के लिए आई थी, तो सर बोले हैं कि सोमवार के दिन आना, अभी साहब लोग हड़ताल में है करके बोले हैं। तहसीलदारों के कोर्ट के आगे नोटिस बोर्ड पर पक्षकारों के लिए सूचना भी लगाया गया है। सुनवाई तारीख में जनरल पेशी बढ़ाया जा रहा है। अधिकारी हड़ताल में हैं तो पक्षकार लोग आ रहे हैं, उनको विधिवत बाहर में सूचना निकाल करके जानकारी दिया जा रहा है और कार्यवाही प्रभावित है। SDM पीयूष तिवारी भी रविवार तक छुट्टी में है। हड़ताल खत्म कराने शासन स्तर पर बातचीत की जा रही है। बहरहाल राजस्व मामले के सभी कार्य हड़ताल की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसो TV बिलासपुर। जिले में हर साल धान उठाव में विवाद होता है। इस बार जिले में सभी ब्लॉक से धान का उठाव हो चुका है, लेकिन मस्तूरी के 25 से अधिक समितियों में धान अभी तक रखा है। 1 महीने पहले इन समितियों में 10,000 मीट्रिक टन धान जमा था, जिसे किसी तरह मिलरों से मिलकर उठाव किया गया है। अब यहां 4,000 मीट्रिक टन धान का जमाव है। बताया जा रहा है कि समिति वालों ने खुले धान में कंकड़ और मिट्टी मिला दिया है, जिसके कारण मिलर खराब बताकर
उठाव करने से बच रहे हैं। हालांकि अफसर का कहना है कि 10 दिन के अंदर सभी धान का उठाव हो जाएगा। बारिश और हवा से कटे फटे बारदाना और खुले में रखा धान अमानक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोग जितना खरीदी किए थे अब 0.5% भी नहीं बचा है, 4000 एमटी धान बचा हुआ है समितियों में। वो कुछ लगभग 20-25 समितियों में थोड़ा थोड़ा मात्रा बचा हुआ है। लास्ट का थोड़ा नीचे का चूहा उहा काट दिया, बारदाना खराब हुआ, ये सब के कारण थोड़ा सा धान के गुणवत्ता में विवाद मिलर समिति के बीच, इसके कारण उठाव में देरी हो रहा था। और काफी उठाव करा लिए हैं, ये भी लगभग 8-10 दिन में हो जाएगा। इधर केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक में अपने संबोधन में आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति की रफ्तार पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा, नवा रायपुर को खूबसूरती के साथ व्यवस्थित बसाया गया है। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर जोर देने की बात कही। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अधोसंरचना में अतिरिक्त व्यय भार आता है। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। नियद नेल्ला नार इन क्षेत्रों में योजना से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। राज्य में एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत 11 जुलाई से हुई। एक दिन में 6,00,000 पौधे लगाए गए। महावृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक पौधा रोपित कर राज्य को हरा भरा बनाकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है। एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत गुरुवार से हुई। इस अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग द्वारा वन और अन्य क्षेत्रों में 3,85,00,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। महाअभियान के पहले दिन पूरे राज्य में 6,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया। जिले में भी वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिलासपुर वन मंडल के द्वारा महारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के एक निजी स्कूल में वन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला थे। अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि निगम आयुक्त अमित कुमार थे। सभी अतिथियों का DFO अभिनव कुमार ने आत्मीय स्वागत किया और मेमेंटो प्रदान किया, जिसके बाद सभी ने स्कूल प्रांगण में पौधारोपण किया। अतिथियों ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच हमेशा भविष्य आधारित होती है। उन्होंने पृथ्वी और जीवन पर मंडराते खतरे को भांप कर पर्यावरण संरक्षण एवं भूमिगत जल स्तर को सुधारने प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ अपनी माँ के नाम से लगाने की भावुक अपील की है। जननी और जन्मभूमि दोनों की सेवा का लक्ष्य लेकर एक पौधा माँ के नाम अभियान की शुरुआत माननीय मोदी जी के आह्वान पर और जनता जनार्दन के नेतृत्व पर प्रारंभ हुआ है। ये भारत के साथ साथ विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम है और आने वाले समय में हम सबको जुड़ना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता और आपके माध्यम से आग्रह है। वृक्ष माँ के नाम इस राष्ट्रीय अभियान के तहत आज हम लोगों ने यहाँ वृक्षारोपण किया और इस अभियान के खातिर मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा कि हर एक व्यक्ति उस माँ के नाम, जैसे ही हम माँ का नाम लेते हैं एक ममता, एक करुणा, एक प्रेम का भाव आता है, तो निश्चित रूप से एक पौधा ज़रूर लगाएं और उसको सिर्फ ना लगाएं नहीं केवल, बल्कि उसका पूरा पालन पोषण भी करें। आज का जो कार्यक्रम था ये पूरे हमारे राज्य स्तर पर टारगेट था कि आज के दिन हम 6,00,000 पौधे लगाएंगे, तो उसमें बिलासपुर वन मंडल को 30,000 का टारगेट मिला था। तो इसके अंतर्गत जो हमारे प्रधानमंत्री का हम महत्वाकांक्षी अभियान है एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत हमने ये कार्यक्रम कराया। इसमें हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला जिला प्रशासन से। आज के हमारे मुख्य अतिथि बेलतरा के युवा विधायक सुशांत शुक्ला जी रहे हैं। इस महाअभियान के तहत आम, जामुन, बेल, कटहल, सीताफल, बेर, तेंदू, गंगा इमली जैसे फलदार पौधे और लघु वनोपज एवं औषधि प्रजाति के हर्रा, बहेड़ा, आंवला, नीम, काला सीरस, रीठा का पौधा का रोपण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में छायादार प्रजातियां बरगद, पीपल, मौलश्री, कदम, पिल्ट्राफॉर्म, गुलमोहर, अशोक, अर्जुन प्रजातियों का रोपण किया गया है। उल्लेखनीय है कि एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक पौधे रोपित कर छत्तीसगढ़ को हरा भरा बनाकर पर्यावरण संतुलित बनाए रखना है। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम का महत्व जानकर इसमें अपनी भागीदारी दिखाई।
कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान के तहत देश भर में सितंबर माह तक 80 करोड़ और मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा वन क्षेत्रों में 3 करोड़ 85 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। गुरुवार को इस अभियान के तहत एसपी रजनेश सिंह ने तोरवा थाने में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ मिलकर पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील लोगों से की है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रदेश सहित जिले में भी वृहद पौधारोपण किया जा रहा है। इसके तहत 11 जुलाई को महावृक्षारोपण अभियान को लेकर तोरवा थाने में पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया। यहां स्कूली बच्चों और थाना स्टाफ ने एसपी रजनेश सिंह का स्वागत किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कुमार कश्यप, आईपीएस पूजा कुमार सहित अधिकारियों ने भी पौधारोपण किया। यहां करीब 70 पौधे रोपे गए। सभी पौधे फलदार और छायादार हैं। तोरवा थाने में जितना एक कबाड़ था और वो सारा कुछ था, थाने का जो बड़ा बेतरतीब वो सब चीजें रखी हुई थी वो सभी साफ हुई है। थाना प्रभारी को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, इतना साफ़ सुथरा क्लीन करने के लिए। और चूँकि जब ये पूरा थाना जो परिसर है क्लीन हो गया है, तो इसमें हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है और आज ढेर सारे पौधे लगाए हैं। ये स्कूल के हमारे कालीबाड़ी स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये सभी इनके साथ मिलकर उनके द्वारा भी, जैसा आप सभी जान रहे हैं कि पूरे भारत वर्ष में एक पेड़ माँ के नाम से वो अभियान चल रहा है। तोरवा क्षेत्र के रहने वाले सौरभ चटर्जी ने भी अपने विवाह कार्यक्रम से समय निकालकर बहन के साथ पहुंचकर पौधारोपण किया और इस महाअभियान का हिस्सा बने। इस दौरान एसपी ने तोरवा थाना के प्रांगण में बने किशोर न्याय बोर्ड के नवीन भवन का निरीक्षण किया। वहीं एसपी ने थाना प्रांगण स्वच्छता के लिए थानेदार राहुल तिवारी की पीठ थपथपाई। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद थे। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में टीटीई पदस्थ प्रकाश राव ने एक बार फिर से स्वर्ण पदक हासिल किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में आयोजित टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वहां उन्होंने पावर लिफ्टिंग में कड़ी मेहनत कर प्रथम स्थान हासिल किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को हरा कर पहला स्थान हासिल किया है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि खेल कोटे से ही उनकी पदस्थापना बिलासपुर जोन में टीटी के पद पर हुई है। उन्होंने बताया कि जोन और मंडल के सभी अधिकारियों, साथी स्टाफ और चेकिंग स्टाफ के साथ नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट के पदाधिकारियों का उन्हें जो है सहयोग मिल रहा है। उनकी इस उपलब्धि पर मंडल और जोन के अधिकारियों ने उनकी सराहना की है। जम्मू कश्मीर में 25 से 27 तक नेशनल गेम्स खेलने गया था, जिसमें मुझे गोल्ड का प्राप्ति हुआ, गोल्ड मेडल जीता मैं। सेकंड आंध्र प्रदेश और थर्ड अपना तेलंगाना को हरा के मैं गोल्ड मेडल जीता हूँ। बास्केटबॉल में एक्चुअली 6 टाइम इंडिया टीम खेला हूँ और एक टाइम कैप्टनशिप रहा हूँ। छत्तीसगढ़ पहला इंडिया प्लेयर हूँ मैं। तोरवा में मछली बाजार को आबाद होने का 7 सालों से इंतजार है। इस दौरान प्रशासनिक स्तर पर विशेष प्रयास नहीं हुए। थोक मछली विक्रेता शुरू से ही व्यवहारिक कारणों से बाजार को रिजेक्ट कर चुके हैं। फिलहाल नगर निगम के अधीन मछली केंद्र में तोरवा क्षेत्र के फुटकर व्यापारियों को बसाने फिर कोशिश की गई है। तोरवा पावर हाउस के पास 7 साल पहले मछली केंद्र खोला गया था। 7 साल बाद 7 दिन पहले ही व्यापारियों ने अपना काम शुरू किया है, लेकिन यहां सिर्फ फुटकर व्यापारी ही बैठ रहे हैं, जबकि थोक व्यापारियों का पता नहीं है। यहां की अव्यवस्था को देखकर छोटे व्यापारी भी वापस अपनी जगह जाना चाहते हैं। प्रशासन ने शनिचरी बाजार से मछली के थोक व्यापारियों के लिए तोरवा के पास पावर हाउस में 2017 में एक तरफ फुटकर तो दूसरे तरफ थोक व्यापारियों के लिए दुकानों का निर्माण किया था। 7 साल से ये सभी दुकानें खाली पड़ी थी। हाल ही में फुटकर दुकानों का संचालन शुरू हुआ है। इसमें भी संचालक नाराज हैं। उनका कहना है कि दुकान अंदर होने के कारण व्यापार 40 से 50 फीसदी घट गया है। वहीं थोक व्यापारियों का कहना है कि वहां पर वाहनों के आने जाने में दिक्कत है, इसके कारण व्यापार करने में मुश्किल है। यदि प्रशासन सुविधा मुहैया करा देगा तो वे शिफ्ट हो जाएंगे। हमारा दुकान समस्या ये है कि दुकान का हमारा पार्किंग नहीं है और हमारी दुकान छोटा पड़ रहा है, छोटा सा दुकान है और हमको वहाँ पर जाने के लिए तकलीफ हो रहा है।
बड़ा बड़ा दुकान बना दो और जगह भी कम है, पार्किंग के जगह ही नहीं हो पर और बैठने की जगह नहीं हो पर हमारा। जिले का फिशरीज विभाग नगर निगम के पाले में गेंद डालकर उसे अपनी टेंशन दे चुका है। थोक व्यापारियों ने विभाग के अधिकारियों से ये कहकर जाने से इनकार कर दिया कि दुकानें छोटी हैं और जगह सकरी है, जिससे मेटाडोर और दूसरे वाहन भीतर पहुंचने पर दिक्कत होगी। थोक व्यापारियों से जैसे चर्चा हुई है, नगर निगम कमिश्नर साहब से मेरी चर्चा हुई थी, तो वहाँ पे जो 16 दुकानें हैं उन 16 दुकानों को जोड़ के हम 8 दुकानें करके अंदर साइड अगर जो ग्रिल लगी हुई है उसको हटा के वहाँ पर शटर बना दें तो वहाँ पे वाहन आ सकता है। थोक व्यापारी यही चाहते हैं कि हमारी दुकान के सामने वाहन आए, तो ये चीज़ संभव है, पर उसके बावजूद थोक व्यापारी जो है नहीं आना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जब बाजार का निर्माण किया गया था तब थोक मछली के साथ कारोबारी हुआ करते थे, इनकी संख्या अब डबल हो गई है। इनसे और सब्जी मंडी आने वाले छोटे बड़े वाहनों से शनिश्री मार्ग में रोज जाम की स्थिति निर्मित होती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ वी लोकेश की रिपोर्ट। रतनपुर में फैले डायरिया की रोकथाम और मरीजों का उपचार किया जा रहा है। प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य समेत अन्य विभाग नजर बनाए हुए हैं और उनके द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव डायरिया पीड़ित मरीजों का हाल जानने के लिए रतनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती मरीजों से मिलकर उनका हालचाल पूछा और स्थिति से अवगत हुए। उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का भरोसा भी दिलाया। डॉक्टरों से चर्चा कर उपचार और सुविधा की जानकारी ली। डायरिया की रोकथाम के लिए किए गए उपायों के बारे में जाना और इस पर संतोष व्यक्त किया। जिला प्रशासन ने अच्छी पहल की है। कल कलेक्टर साहब खुद आए थे, पाइपलाइन बदलने का भी आदेश हो चुका है। आज यहाँ के जो CMO साहब हैं उन्होंने कहा है कि पाइपलाइन का काम शुरू हो गया है और अस्पताल में बहुत अच्छी व्यवस्था है। सबका इलाज बहुत प्रॉपर तरीके से हो रहा है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ये अच्छी बात है कि जिला प्रशासन ने इसको बहुत ही युद्ध स्तर पर लिया और इसको फैलने से रोका है। जोनल स्टेशन से यात्रा करना यात्रियों को महंगा पड़ता है, यहाँ परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को सारा दिन बिजली गुल रही, इस स्थिति में भारी गर्मी और उमस से यात्री परेशान होते रहे। बिलासपुर जोनल स्टेशन में गुरुवार को सुबह से दोपहर तक बिजली गुल रही। बिजली गुल होने की वजह से स्टॉलों में रखा सामान खराब होने की आशंका से स्टॉल संचालक परेशान हुए। फ्रिज में रखा बोतल बंद पानी गर्म हो गया। बिजली आपूर्ति बाधित की सूचना विद्युत विभाग को दी गई, लेकिन अधिकारी तत्काल हरकत में नहीं आए। ऐसी स्थिति में भरी गर्मी और उमस में परेशान यात्री इधर उधर भटकते नजर आए। पंखे नहीं चलने की वजह से यात्री हलाकान होते रहे और गमछे की मदद से राहत पाने की कोशिश करते रहे और यही सोच रहे थे कि आखिर रेलवे ने इन्हें क्यों बंद कर दिया है। वह नाराज भी दिखे। उन्होंने कहा, जब बिजली होती तब भी उमस से राहत दिलाने रेलवे मिस्टिंग मशीन चालू नहीं करता है। रेलवे सुविधा बढ़ाने की बजाय पहले से उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर ढंग से उन्हें मुहैया नहीं करा पाता है। पंखे तो कभी चलित सीढ़ी बंद होता है, शेड लगा होने के कारण प्लेटफॉर्म में उमस रहती है। स्टॉलों में भी लाइट बंद होने का बुरा असर दिखाई दिया। यहाँ फ्रिज में रखा सामान गर्म हो गया, लेकिन रेलवे के विद्युत विभाग के अधिकारी शोर से अपनी आंखें मूंदे हुए थे। कैमरा पर्सन जयसाहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी बिलासपुर। मंगला दीनदयाल कॉलोनी से लगे फॉरेस्ट एरिया में लगातार अवैध कब्जा कर सैकड़ों मकान बना लिए हैं। बाहरी लोगों की घुसपैठ भविष्य के लिए बड़े खतरे का संकेत है। कॉलोनी वासी असामाजिक तत्वों की हरकतों से भयाक्रांत है। हाउसिंग बोर्ड की मंगला में दीनदयाल कॉलोनी की हद खत्म होती है। इसके आगे लोखंडी में वन विभाग की 40 एकड़ भूमि है। करीब 10 एकड़ में 2 सालों में पूरी बस्ती बस गई है। बाहरी लोगों ने अवैध कब्जा कर 300 से अधिक कच्चे पक्के मकानों का निर्माण कर लिया है। अपनी जरूरतें पूरा करने हुकिंग कर बिजली और कॉलोनी के पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन लेकर पानी लिया जाता है। शाम होते ही शराबखोरी और संदिग्ध गतिविधियां शुरू हो जाती है। अब यहां संभ्रांत परिवारों का जीना मुश्किल हो गया है। अवैध कब्जा रोकने लोगों ने वन भूमि के आगे जाली लगाया है, लेकिन इसके बाद भी दादागिरी और भय दिखाकर रातों रात अवैध निर्माण कर लिया जाता है। अब तो दीनदयाल कॉलोनी में खतरा यहाँ रहने वालों के घर की चौखट तक आ पहुंचा है।
इन लोग इसके अंदर ये कर रहे हैं, ये है ये येलो वाली है, ये वाला है। बाहरी असामाजिक तत्वों का भय इस कदर बढ़ गया है कि लोग कैमरे के आगे आकर कुछ भी बोलने से घबरा रहे हैं। लोखंडी से लगे हिस्से में कॉलोनी में रहने वाले दहशत ज्यादा परिवारों ने कुछ दिनों पहले कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर सारी जानकारी दी थी। रिपोर्टिंग के दौरान कुछ लोगों से जानकारी मिली है कि स्थानीय महिला सरपंच और उसका बेटा सरकारी जमीन फर्जी तरीके से खपा रहा है। एक डिसमिल की कीमत 50,000 लेकर कब्जा दिलाया जाता है, जिसकी जैसी मांग होती है रकम देकर वन भूमि का टुकड़ा लेकर अवैध निर्माण कर लिया जाता है। जिला प्रशासन को भी अच्छी तरह मालूम है कि उसके आदेश की अनदेखी कर रोजाना एक नया अवैध निर्माण किया जा रहा है। ग्रीन बेल्ट की भूमि धीरे धीरे बस्ती में तब्दील हो रही है। हालात बेकाबू होने से पहले इसे रोकना होगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। बिलासपुर में बनेगा राज्य का पहला क्रिटिकल केयर यूनिट। जिला अस्पताल का निरीक्षण कर कलेक्टर ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश। एक पेड़ मां के नाम वन विभाग ने चलाया वृहद अभियान। जन प्रतिनिधियों से लेकर पुलिस अधिकारियों ने रोपे सैकड़ों पौधे। करोड़ों का मछली बाजार 7 सालों में नहीं हुआ आबाद। शनिचरी में थोक व्यापारियों से यातायात रोज होता है बेपटरी। और तिफरा स्कूल को बना दिया अंग्रेजी माध्यम, टीचर है न व्यवस्था, नाराज परिजनों ने जिला शिक्षा अधिकारी का किया घेराव। इस बुलेटिन की ये थी खास खबरें। बढ़ते हैं, तिफरा के स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। इससे दूसरे स्कूलों से टीसी निकाल चुके पालकों की समस्या बढ़ गई है। गुरुवार को सभी पालक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और उनका घेराव कर दिया। 7 दिनों के भीतर समस्या का हल करने की मांग की है। स्वामी आत्मानंद स्कूल तिफरा में बच्चों के लिए समस्या बढ़ गई है। इस सत्र में छात्रों की भर्ती प्रक्रिया लॉटरी निकालने से बढ़ी है। संशय को लेकर दूसरे स्कूलों से टीसी और प्रमाण पत्र ले चुके पालकों ने स्कूल पर एडमिशन नहीं देने का आरोप लगाया है। सभी पालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी से जल्दी ही समस्या दूर करने की मांग की है। साथ ही कहा है 7 दिनों के अंदर समस्या हल नहीं हुई तो चक्का जाम किया जाएगा। स्वामी आत्मानंद तिफरा समस्या को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के पास आज हम लोगों ने अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और मांग किया है कि जो नए सत्र में एडमिशन लिया गया है उन पालकों से टीसी जमा कराया जाए और उनकी बच्चों की पढ़ाई सुचारू ढंग से शुरू किया जाए। और पहले से भी बहुत सारी विसंगतियां थी शिक्षकों का अभाव और पाठ्य पुस्तक को लेकर, जिसको लेकर पुनः चेताया गया है प्रशासन को। अगर 7 दिन के अंदर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती हैं तो पालकों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए हम विवश हो जाएंगे और अधिकारीगण इसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। हम पहले भी इनको ज्ञापन सौंप चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, तो हम इनको दोबारा चेतावनी देने के लिए आए थे कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम फिर आगे आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे सभी जो पालक यहाँ पे खड़े हैं, जो अभी इनका क्या है चयन हुआ था और एडमिशन नहीं दिया जा रहा है स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, तो हमारा कहना है कि आप उनको एडमिशन दें नहीं तो उनका भविष्य खराब होगा। और हमारी जो मांगे पहले से भी थी, जो पुस्तकों की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था नहीं है और जो शिक्षक नहीं है वहाँ पे, और हिंदी मीडियम के जो शिक्षक हैं, जो हमको चाहिए था कि और वहाँ पे शिक्षक भर्ती कराया जाए, उसके लिए हम यहाँ पे सर को ज्ञापन देने आए थे। जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू ने बताया कि पिछले सत्र से शिक्षकों की कमी अब दूर करने की कोशिश की जा रही है। यूनिफॉर्म और किताबों की व्यवस्था कर ली है। संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन हम जारी नहीं किए हैं, अभी निर्देश नहीं आए हैं और इसलिए ये शिक्षक की समस्या पैदा हो रहा है। अभी हम काम चलाने के लिए हिंदी मीडियम कहीं या कुछ है, और जो इंग्लिश में पढ़े हुए टीचर हैं, हालांकि हिंदी मीडियम उसकी भर्ती है लेकिन वो पढ़े रहते हैं इंग्लिश मीडियम में, ऐसे शिक्षक की व्यवस्था करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे तिफरा के लिए 9 शिक्षक की व्यवस्था कल तैयार कर लिया है बाबू। घेराव करने पहुंचे अभिभावकों में शिक्षा विभाग द्वारा समय रहते स्कूल में शैक्षणिक इंतजाम नहीं किए जाने से रोष देखा गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ वी लोकेश की रिपोर्ट। छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए अटल बिहारी यूनिवर्सिटी ने इस बार रिजल्ट समय रहते जारी कर दिया है ताकि बच्चे अपना एडमिशन इस सत्र में करा सके।
इसके पहले रिजल्ट देरी से आने के कारण विद्यार्थियों को अगले सत्र में एडमिशन लेने के लिए परेशान होना पड़ता था, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने समय पर रिजल्ट निकाल दिया है। इससे छात्र छात्राओं को प्रवेश लेने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के स्नातक के फाइनल ईयर के जो रिजल्ट थे हमने 29 और 30 मई को ही जारी कर दिए थे, ताकि स्नातकोत्तर में जिन भी विद्यार्थियों को एडमिशन लेना है उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष रिजल्ट जल्दी आए हैं, तो लगभग हमारे 50 रिजल्ट जारी हो चुके हैं। एक आख रिजल्ट ही जो छूटा होगा वो आज जारी हो रहा है, वो भी हमने सभी रिजल्ट तय समय अवधि पर जारी कर दिए हैं, ताकि विद्यार्थियों को अपने भविष्य को लेकर किसी प्रकार की चिंता ना हो और वो अच्छा करें। कोरोना काल में अपने पिता को खो चुकी 13 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में सरकंडा पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ नए आपराधिक कानून के तहत अपराध दर्ज किया है। सरकंडा क्षेत्र की रहने वाली 13 वर्षीय बच्ची पर मोहल्ले के ही 2 लोगों की नजर थी, जिसमें एक नाबालिग है। दोनों लड़कों ने 9 जुलाई की रात नाबालिग बच्ची को मैसेज किया और उनके पास उसकी एक अश्लील फोटो होने की बात कही। इस बात से बच्ची घबरा गई और दोनों युवकों के बताए जगह पर रात 2 बजे मिलने पहुंची। यहां पहले से ही आरोपी विश्वजीत पटेल और नाबालिग मौजूद था। नशे की गोली खिलाकर दोनों आरोपियों ने 13 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार किया। नए आपराधिक कानून की धाराओं में आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान है। एक सरकंडा का मामला है जिसमें प्रार्थी आके रिपोर्ट लिखाई कि उसके बच्ची के साथ रात में 3:30 बजे करीब कुछ लड़के बुला के उसको गलत काम किए हैं। उसी पर से हम अपराध त्वरित अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की पता तलाश किए, तो चंद घंटों में ही उनको पकड़ के विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। और नए कानून के अंतर्गत BNSS का 137(1)(b) और 70(2) के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। नया आपराधिक कानून लागू होने के बाद जिले में सामूहिक दुष्कर्म का यह पहला मामला है। नाबालिग बच्ची के पिता की कोरोना काल में मृत्यु हो चुकी है। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(1)(b), 70(2) पास्को एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। कैमरा पर्सन जयसाहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा TV, बिलासपुर। 1 जुलाई 2024 से देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। इनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है। नवीन कानूनों के विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराने और आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से मुंगेली पुलिस ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वैज्ञानिक साक्ष्य और नए कानून में किए प्रावधानों की जानकारी दी। के तहत जैसा पूर्व में जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य रहते थे, वीडियोग्राफी हो गई या फिर व्हाट्सएप चैटिंग हो गई, ईमेल के माध्यम से जो लोग अपना व्यवहार करते थे, इन सभी की एविडेंशियल वैल्यू हो गई, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता प्रदान कर दी गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत। अब इनको प्राथमिक साक्ष्य के रूप में माना जाएगा और किसी अपराध में इनकी जो वैल्यू है वो एविडेंस वैल्यू के रूप में इन्हें सामने। और इधर नए आपराधिक कानून की विस्तृत जानकारी देने आयोजन किया। इस दौरान SP ने प्रोजेक्टर के जरिए नवीन कानून और क्रियान्वयन की जानकारी दी। कानून में हुए बदलाव और प्रावधान को यहां बताया गया। SP ने कहा, नए आपराधिक कानून की जानकारी देने लगातार कार्यशालाएं और कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को कानून और उनके अधिकारों की जानकारी हो सके। हमारे जो भारतीय दंड संहिता से, जो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय और दंड प्रक्रिया संहिता से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो नए प्रावधान हुए हैं उन सभी से अवगत कराएंगे। और जो इसमें मुख्य रूप से जो नागरिक केंद्रित और जो पीड़ित केंद्रित है, विक्टिम सेंट्रिक प्रावधान है, उसका जरूर हमारी पूरी सोसाइटी पर और सभी को इसका फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, जिससे कि सही तरीके से न्याय हो सकेगा। बुधवार की रात VIP थाना क्षेत्र में स्थित 36 मॉल के तंत्राबार में नशे में थिरकते वक्त बोतल उछालने को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। मारपीट के बीच बार के बाउंसर आ गए। बिना कुछ जाने बाउंसरों ने एक युवक की बेदर्दी से पिटाई कर दी। इधर घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई।
36 मॉल में स्थित तंत्राबार में बाउंसरों और युवकों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि देर रात तक तंत्राबार में शराब परोसी जाती है। घटना की शिकायत लेकर थाने देर रात पहुंचे सरगंडा निवासी आदित्य तिवारी ने बताया कि तंत्राबार में शराब की बोतलें ऊपर से नीचे फेंकी गई, जिसके बाद नीचे से भी कुछ लोगों ने शराब की बोतलें ऊपर फेंकी। इन सब के बीच युवक युवतियों के बीच जो है आपस में विवाद शुरू हो गया और मारपीट हुई। इसमें आदित्य को गंभीर चोट आई है। जैसा कि आप सभी दर्शकों को मालूम है कि चारों ओर अभी पर्यावरण संरक्षण को लेकर वृहद रूप से वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। आप घर बैठे भी इससे जुड़ सकते हैं। अब पूछिए कैसे, तो ऐसे कि आप बाजार से एक पौधा खरीद लाइए या वन विभाग तक पहुंचिए, उसके कार्यालय में आपको फ्री में पौधा मिलेगा और इसे घर में एक गमले में रोप दीजिए। जब आप इस पौधे को सुबह उठकर रोज देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। पौधे यानी कि बच्चे, इनकी देखभाल कीजिए, बड़े होंगे आपको इसका फायदा मिलेगा। है ना पते की बात। दीजिए मुझे विदा और आप तैयारी कीजिए एक पौधा लगाने की। माँ के नाम, नमस्ते।